इन्फेक्शन वर्सेस नॉन इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन की एक टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में, आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई पर्सन बीमार होता है तो वो कहता है कि मैं इन्फेक्टेड हूं या मुझे इन्फेक्शन हो गया है। तो व्हाट इज बेसिकली, व्हाट इज मेंट बाय इन्फेक्शन? इन्फेक्शन इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी हालत है जिसमें बॉडी को कुछ इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड कर लेते हैं या बाईपास करते हैं इम्यून सिस्टम को। दोज कंडीशंस आर कॉल्ड एज इन्फेक्शन। इन्फेक्शंस आर कंटेजियस। कंटेजियस मींस दैट इट हैज एन एबिलिटी टू बी ट्रांसमिट और इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिटेबल। अच्छा, आप लोगों को पता है कि कम्युनिटी में बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली मुंतकिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फ्लू है तो आमतौर पर कहा जाता है कि आप ड्यूरिंग फ्लू छींकते वक्त अपने मुंह पे कोई रुमाल या कोई इस तरह का कपड़ा रखें। उसकी बेसिकली लॉजिक क्या है? क्योंकि वो जो इन्फेक्शियस स्टेट है, दैट इज फ्लू, इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट और वो बॉडी को इन्वेड कर चुका है और वो इन्फेक्शियस एजेंट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कंटेजियस हो सकता है, जिसे आम जुबान में हम मूजी मर्ज का नाम भी कहते हैं, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकती है या मुंतकिल हो सकती है। कम्युनिकेबल का वर्ड भी यूज किया जाता है इन्फेक्शंस के लिए। कम्युनिकेबल मींस इट हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन और वन पर्सन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। दैट्स व्हाई द इन्फेक्शंस हैज द एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। दैट मींस के ये मूजी अमराज का नाम है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली मुंतकिल हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इसे इन्फेक्शन का नाम देते हैं। इन्फेक्शन जो कॉज बाय सर्टन एजेंट्स, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस मींस दैट द एजेंट्स विच हैज द एबिलिटी टू कॉज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब है एबनॉर्मैलिटी इनसाइड द बॉडी। अब इन्फेक्शंस जो हैं वो बॉडी का नॉर्मल पार्ट नहीं है। व्हेन एवर समबॉडी इज गोइंग टू बी इन्फेक्टेड, दैट मींस ही और शी इज इन एबनॉर्मल कंडीशन। अब वो जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो एक सर्टन एजेंट की वजह से है और उस एजेंट का नाम, उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। अब वो पैथोजेंस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पैरासाइट्स। दीज आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, और पर्टिकुलरली बिकॉज दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें आम जुबान में जरसूमे या जरासीम का नाम भी दिया जाता है। इसी वजह से इन्हें जर्म्स भी कहा जाता है। तो इन्फेक्शंस जो बेसिकली उनकी वजह, उनका मौजब जो है वो जरासीम, जरसूमे या पैथोजेंस हैं। अब इन्फेक्शंस की बहुत ही कॉमन एग्जांपल इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हेपेटाइटिस इज बेसिकली द इन्फेक्शन ऑफ लिवर। हेपा मींस लिवर एंड टाइटस इज अ कंडीशन व्हेन एवर देयर इज सर्टन काइंड ऑफ इन्फेक्शन। दैट्स व्हाई इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लिवर। सो हेपेटाइटिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शन। इसी तरह टाइफॉइड फीवर इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ द इन्फेक्शन, जो कि एक खास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस, और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इज इट इज नॉन कम्युनिकेबल। जैसे हमने बात की कि इन्फेक्शन जो है वो कम्युनिकेबल है, एक शख्स से दूसरे शख्स में आसानी से मुंतकिल हो सकता है क्योंकि
उसमें एक एजेंट इन्वॉल्व है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट है. बट हियर इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शन देयर इज नो रोल ऑफ सच काइंड ऑफ एजेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉन कम्युनिकेबल. ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से मुंतकिल नहीं हो सकता. दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मीन्स हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस में अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो उस बीमारी को, उस डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं. जैसे इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल इज द डायबिटीज मलाइटस, जिसे आम फहम जुबान में शुगर कमर्स कहा जाता है. ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस किसी इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से नहीं बल्कि इसमें बहुत से अदर अवामिल हैं जो इन्वॉल्व हैं. और इसमें जेनेटिक फैक्टर इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल, अब आपने सुना होगा कि एक फैमिली हिस्ट्री है कि एक फैमिली ए और फैमिली बी दे हैव एन एबिलिटी ऑफ हैविंग शुगर और डायबिटीज मलाइटस. तो उसमें जो उस बीमारी की जो वजह है वो है नॉन इन्फेक्शियस. सो उस कंडीशन को हम नॉन इन्फेक्शियस स्टेट कहेंगे. सो यहाँ पे नाउ यू आर क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज.